क्या नाम है तोर? बुधेलाल है, बुधेलाल पार्थी इधर देख, इतनी देख। तो बुधेलाल जी आप कहाँ से आए हो? खरोरा बुड़ेनी। खरोरा बुड़ेनी? बुड़ेनी गांव है। ये कौन सा जिला में आते? दुर्ग में? रायपुर जिला। रायपुर जिला में? अच्छा, तो ये आप काय करे आए हो रायपुर में? ये धान बाली बेचे हालात। ये अभी काबर बेचते हो इस समय पे? ये पूजा के लिए सब खरीदते हैं, पूजा करते हैं। धान का लक्ष्मी है। अच्छा। लक्ष्मी का पूजा करने के लिए सुहेती के दिन, धनतेरस के दिन इसका पूजा होता है। और पूजा के बाद क्या करते हैं? पूजा के बाद ये चिड़िया खिलाने के लिए बाहर में लगा देते हैं, तो चिड़िया आके खा जाती है। खा जाती है। अच्छा, ये बताइए, ये आप कब से बना रहे हैं और कहाँ से सीखा ये सब आपने? सीखने का पहले गांव-गांव में बना करके ऐसे रखते थे, उसके बाद हम लोग ज़्यादा बनाने लगे और रायपुर शहर में एक बिकेगा ऐसे करके बना के बहुत सारा लाए, तो पहले आए तो बिक्री होने लगा, तो अब सभी लोग बनाने लगे और बेचने लगे। अच्छा, तो आप कितने साल से रायपुर आ रहे हैं? अरे मेरे को 20 साल हो गया है रायपुर आने में। 20 साल से आ रहे हैं। और ये जैसे ये इसको क्या बोलते हैं? ये धान का झाला है। तो ये अलग अलग डिजाइन का आपने बनाया? मंदिर छाप का था इसको। झूमर है, ये झूमर है, झूमर ये बिच्छू का झूमर है। अच्छा, ये बिच्छू की तरह है इसीलिए हाँ। इसको बिच्छू बोलते हैं। हाँ, जी। और ये वही है। हाँ। तो आप लोग कौन कौन आए हैं? मेरी छोटी सी लड़की आई है, मैं और मेरा लड़का है। तीन लोग आए हैं। और कितना सामान लेके आए हैं? मैं था, ये वाला छोटा वाला 500 था और ये 50-50। तो सब बेच डाले? हाँ, आज बिक जाएगा इतना सब बचा, फिर आज वापस चले जाएंगे? हाँ, कल जाएंगे, थोड़ा बहुत बचेगा तो कल घुमाने ले जाएंगे, कल सुरहेती है। तो ये बताइए कि ये धान आप कहाँ से लाते हैं? आपके खुद के खेत से? हाँ। कितना ज़मीन है आपका? मेरे पास मेरा ससुर जी दिया है ना आधी एकड़, उसमें आधा सरना धान डाले, आधा महामाया धान। ये कौन सा धान का बना? महामाया धान है। अच्छा, तो आपने सरना धान का क्यों नहीं बनाया? सरना धान अभी पका नहीं है। अच्छा। इसलिए उसको बनाया नहीं है। महामाया धान हरना आता है ना, तो ये पक जाता है, इसका बनाते हैं। अच्छा, तो सभी लोग महामाया धान से बनाते हैं या कोई भी धान से बनाते हैं? हरुणा धान है ना,
जितना भी, जैसे कि अभी नया नया धान आया सफरी के बराबर लंबा वाली वाला, वो भी बनाते हैं। जितना हरुना धान है ना उतना वो लेते हैं, वो करके उसे बनाते हैं। और बनाने में कितना दिन आप लोग लगे थे घर में, कौन कौन लगे थे? दशहरा के टाइम से चालू किए हैं बनाने के लिए, तो 15 दिन तो ऐसे बनाने में लग गया और 5 दिन यहाँ हो गया खींचने में। जब दूसरे को भी बनाने देते हैं, जैसे इसको बनवाते हैं तो 2 रुपया देते हैं बनौनी। अच्छा, एक का बनौनी 2 रुपया। और बेचेंगे कितने में इसको? ये जोड़ी 40 रुपया, 50 रुपया जोड़ी ऐसे देते हैं। अच्छा, और इसका झूमर का है? झूमर 50 का है। और ये वाला 80-80 रुपये। 80-80 रुपये। तो अभी आप कहाँ निकले हैं साइकिल में सब लेके? साइकिल में अभी गवाई जाएंगे या अंदर बस्ती। अच्छा, घूमने पूरा बस्ती में। तो अभी तक कितना बेच चुके हैं, कितने का बेच चुके हैं? अब मैं कम लाया था, मेरा वही 6,000 का अंतर्गत हुआ है। अच्छा, पिछले साल आपने पूरा कितना कमाई किया था? 10,000 का। और उसमें आपका लागत कितना होगा? लागत 10 माने पूरा लागत करके 10,000 कमाई की। 10,000 बचा था। बचा था, हाँ ठीक है। तो अभी आपके गांव से कितने लोग आते हैं? हमारे गांव से तो बहुत कम, पूरा लगा हुआ है इधर ना, हमारे गांव का है, कुछ कुछ बाहर के आदमी है इधर। अच्छा, तो अलग अलग जगह से आए हैं। हमारे गांव से 50 आदमी आए हैं। 50 परिवार आए हैं? हाँ, पूरा परिवार। तो यहाँ आके आप लोग खाना वाना बना के पूरा रहते हैं? हाँ, यहाँ खाना बनाते हैं और यहीं खाते हैं। कितने दिन रहते हैं यहाँ पे? अब 5 रोज रहते हैं। 5 रोज रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा घर में क्या काम करते हैं आप लोग? घर में भाई किसानी काम और झाड़ू बनाते हैं। अच्छा, ये झाड़ू भी बनाते हैं? हाँ, झाड़ू बनाते हैं। तो ये झाड़ू तो आप लोग साल भर बेचते होंगे? हाँ, पूरा यही धंधा करते हैं। यही धंधा करते हैं झाड़ू का। और इस दीपावली में ये धान का झालर बना के बेचते हैं। तो अभी लोगों में इसका बहुत मांग हाँ बढ़ रहा है ना? हाँ, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, लोग बोलते हैं एक डिजाइन और बदल के लाओ, दूसरा दूसरा डिजाइन बनाओ। तो समझ से आजकल हमारे जोड़ का आदमी है ना, वो नहीं बना पाते, और जो बच्चे हैं ना वो डिजाइन बना रहे हैं सब अलग 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 अलग। चलो, हाँ अच्छा लगा। कल आपने कितना बेचा था साइकिल में घूम के? कल 3,000 का बिक्री किया। अच्छा, और कब जाएंगे आप लोग? कल जाएंगे, कल सुबह है ना। हाँ, तो कल 12 बजे के बाद चले जाएंगे, 12 बजे तक यहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए, दिवाली मनाते रहिए और पंछियों के लिए दाना चुगाते रहिए।